नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जो आपको जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपका एग्जाम डेट से रिलेटेड न्यूज है, तो वो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप देख रहे हैं कृष्णाकांत सिंह यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम जो हमारा आईडी है वो कृष्णाकांत9076 है। आगे हम लोग बात करते हैं कि न्यू एडमिशन प्रोसेस एंड डेट, जो नया प्रोसेस और डेट बदला है उसके बारे में आज लोग बात करेंगे, और ये आपको अंत तक देखना है। इसमें हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देंगे, कट ऑफ के बारे में बता देंगे, और टोटल अप्लाई के बारे में बता देंगे कि टोटल कितनी अप्लाई हुई है। ठीक है, सबसे जरूरी इसमें क्या है, डेट, जो आपका न्यू डेट आया है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको लास्ट तक देखना है। इसके साथ ही यदि आप पटना विश्वविद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं। आपको यदि क्लास से कोई रिलेटेड क्वेरी करना हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। एक हम आपको बता देते हैं कि आपको अब रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, लाइव वीडियो यदि मिलने का होगा तो वो आपको रिविजन मिलेगा। ऐसे आपको 60 से 70 वीडियो लाइव एक बार में हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप देख कर तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको कहीं डाउट आता हो तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हम आपको वहां पे आपको बता देंगे। फिर चैप्टर वाइज वीडियोज आपको सारी की सारी मिलेंगी, पीडीएफ भी आपको डेली मिल जाएंगी, जो जितने भी प्रीवियस पीडीएफ, कम से कम 400-500 पीडीएफ थी, 300-400 वो आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, और टेस्ट भी हम 1-2 दिन में ले लेंगे, और उसके बाद टॉपर्स से आपको बात करवा देंगे जो पिछले साल के टॉपर थे। ये हमारी फी है मात्र ₹450, जिसमें हम आपको 60-70 वीडियो प्लस 300 तक पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये 450 लिमिटेड टाइम के लिए है। ये व्हाट्सएप नंबर है 7371091092946। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग। फोन पे और गूगल पे का हमारा ये नंबर है, इस पे आपको 450 का पेमेंट कर देना है। ठीक है, इसके साथ यदि क्लासेस की थोड़ी सी बात कर लें, आपको एक सेकंड क्लासेस की बात हम आपको बताएं, तो क्या है हमारी क्लासेस जो बीएससी की है उनमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा अनलिस्टेड करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें देखिए फिजिक्स का क्लास के बारे में 12वां, 13वां, 14वां क्लास, फिर केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, देखिए सारा का सारा अपलोड 1 घंटा 3 मिनट का, जैसे कि लोग देख रहे हैं, 81 लोग देखे हैं, जो लाइव नहीं देख पाए थे वो देख रहे हैं वीडियो को, अभी नया अपलोड हुआ है इन सभी वीडियो को देख रहे हैं, 94 वीडियो, 124 वीडियो व्यू, ये सब हम लोग जो लाइव नहीं देख पाते हैं उनका ये सब वीडियो है। तो देख सकते हैं कि आप ये सारा फिजिक्स का अपलोड किया गया है, केमिस्ट्री का, ऐसे ही सारे चैप्टर्स का अपलोड किया गया है। यदि हम बीए की बात करें तो देखिए बीए में भी बीए तक 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 13th, 14th क्लास वाइज आपको मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा क्लास वाइज, 1 घंटे का, 1 घंटे 11 मिनट का, 48 मिनट का, 40 मिनट का, 46 मिनट का, 1 घंटे 15 मिनट का, तो ऐसे ही क्लास चलेगी। यहाँ देखिए 39 मिनट का, कोई कोई क्लास 19 मिनट का भी है, 1 घंटे 2 मिनट का भी है, 52 मिनट, 1 घंटे 16 मिनट का भी है। तो इस टाइप से देख रहे हैं, यहाँ पे सारा का सारा आपको क्लास दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा का सारा आपको क्लास का प्रॉपर तरीका से आपको लिंक एक बार में दे देगा। आपके पास क्षमता है तो 8 घंटे डेली पढ़ के 6 घंटे, जैसा कि अभी आपको दिखाते हैं, देखिए सेक्शन ए जो कंपलसरी है इसको कितने लोगों ने देखा, जो लाइव नहीं देख पाते 247 लोग, 156 लोग, एक मैथ का वीडियो है क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, फिर क्लास 10th, 11th, 27 मई, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 32 मिनट, तो ये सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं कि अपलोड किया हुआ है। रीजनिंग का भी देख सकते हैं कि एकदम क्लास वाइज, ये सब आपको यूट्यूब पे ही अपलोड है, पर वो आपको नहीं मिल सकता है। जब आप अपना ईमेल आईडी भेजेंगे और मेरे, तो हम आपको उसका लिंक भेज देंगे और ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, और आप एनी हाउ आप 80+ नंबर लेकर आ सकते हैं, 80+ से कम आपका नहीं आएगा। अब बात करते हैं जैसे सेक्शन ए में, तो ये सबके लिए कंपलसरी है, वोकेशनल हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों के लिए कंपलसरी है। तो इसमें आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें जीके, रीजनिंग और बेसिक मैथ होता है, जिसका जैसे कि जिसका मैं बता दिया, यही आपका बेसिक मैथ आपका आएगा, ये आपका रीजनिंग आएगा। जीके का वीडियो सारा यूट्यूब पे ही अपलोड है, तो वो। फिर सेक्शन बी की बात करें तो जो आप 12 में पढ़े थे ना, वो 60 नंबर का यहाँ से आता है, 60 मार्क्स का आता है जो आप 12 में पढ़े थे। तो ये आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चल गया। अब यहाँ पे ये जो है वो आज के न्यूज़पेपर का एग्जाम डेट,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा एक मिनट हम आपको पढ़कर बता देते हैं कि भावना क्या कह रही है कि पिछले सत्र से इस बार 5000 आवेदन कम हुए। पिछले सत्र में जितना आवेदन हुआ था 21-22 हजार, इस बार 16-17 हजार पे ही रुक गया है। यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में पिछले सत्र के मुकाबले नए सत्र के लिए काफी कम आवेदन आए हैं। पिछले साल जहाँ 21 हजार आवेदन आए थे, इस बार 16 हजार ही आवेदन आए हैं। पिछली बार कितना आया था, तो पिछली बार आपका 21 हजार आवेदन आया था, इस बार जो है मात्र 16 हजार आवेदन आए हैं। अब सीट है 4000 के आसपास, तो ज्यादा इसमें है नहीं, आप कर सकते हैं। इसमें भी क्या हुआ ना कि सबसे बड़ी बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि बहुत कम सीबीएसई वाले लड़के बहुत कम अप्लाई किए, क्योंकि उनका रिजल्ट क्लियर नहीं था, उनको मालूम नहीं था, अपडेट भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए फायदा है कि आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम गया है। आप थोड़ा सा यदि मेरे साथ जुड़कर मेहनत कर लीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। प्रोफेसर डीन अनिल कुमार ने कहा कि तिथि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सीबीएसई व आईसीएसई छात्रों को जिनका रिजल्ट नहीं आया है उन्हें अपेयरिंग में फॉर्म भरने का परमिशन दिया गया था। जिनका रिजल्ट बहुत से इस बार कम आवेदन होने का कारण क्या है कि उन लोग का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वो आवेदन नहीं किए सीबीएसई वाले। फिर सीबीएसई की वजह से कई छात्रों ने नहीं किया आवेदन, सीबीएसई की वजह से नहीं छात्रों ने किया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पटना विश्वविद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट की तिथि बढ़ सकती है। पहले 9 जुलाई को सामान्य व 12 जुलाई को वोकेशनल कोर्स के टेस्ट की तिथि निर्धारित की गई थी। उसी दौरान कुछ बिहार इंजीनियरिंग और कुछ अन्य परीक्षाओं को देखते हुए तिथि को बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। 1-2 दिन में फाइनल तिथि जारी होगी। 9 जगह 15 या 16 जुलाई को सामान्य स्नातक कोर की परीक्षा और 17 या 18 जुलाई को वोकेशनल कोर्स का एंट्रेंस होगा। ठीक है, तो यही बताया गया है कि आपका, अब यहां से हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि आपका एग्जाम जो होगा 15 या 16 को जो होगा आपका रेगुलर वाले का होगा, और 17 या 18 को जो होगा आपका वोकेशनल वालों का होगा। तो फिर आपको एक समय मिल गया है, जिंदगी फिर एक मौका दी कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, रोके नहीं। बाकी एग्जाम का डेट यही बढ़ गया है, आगे देखते हैं। आगे टोटल अप्लाई की बात करें तो 16000 टोटल अप्लाई हुए हैं, जिसमें कट ऑफ 60+ आपको जाएगा। 3rd week of July में आपका एग्जाम डेट है। तो यही आज का, बाकी थैंक यू, आज का नोटिफिकेशन था। बाकी आप कोर्स से यदि एक बार जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको इतना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो इन सभी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार, वंदे मातरम, जय बिहार।